डैडी ने मना कर दिया है कि आज तुम लोगों का व्रत है तो कोई कुछ काम नहीं करेगा, और आज मम्मा है ना उद्यापन करने वाली हैं, करवा चौथ का उद्यापन करने वाली है। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाय बाय। सारे करवे हैं उनके ऊपर माला लपेट दी है, उनके अंदर है ना फल डाले हैं, फल के हमने डाला है कच्चे सिंगाड़े। ये जो करवो के ऊपर है ना खाजा बनाए हैं, खाजा ये मैदे के और घी में बने, शक्कर डली हुई है इस तरह से हाथों में सभी। हाँ हमारे यहाँ औरतें आपस में ही पानी पिलाती है, हस्बैंड बाद में पिलाते हैं पानी। मेरे एक हाथ की मेहंदी, एक हाथ की मेहंदी भी लगना बाकी है, दूसरे हाथ में भी लगाऊंगी, इसको मैंने रात में लगा ली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे आज है करवा चौथ और मुझे मॉर्निंग से बिल्कुल टाइम नहीं मिला था व्लॉग बनाने के लिए, तो मैं अब बना रही हूँ। और ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, एक छोटी सी बच्ची थी स्कूल की, उसने बनाई है मेरी। और मुझे बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने कल नाइट में लगा ली थी, कल वाले व्लॉग में इस वाले हाथ की मेहंदी है, और तो ये मेरे पाँव की मेहंदी है। और अभी मॉर्निंग टाइम में मैंने क्या पहना है वो दिखाती हूँ मैं। आज डैडी ने मना कर दिया है कि आज तुम लोगों का व्रत है तो कोई कुछ काम नहीं करेगा, और आज मम्मा है ना उद्यापन करने वाली हैं, करवा चौथ का उद्यापन करने वाली है। तो ये मेरा एक मैंने ऑरेंज कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी है, इसकी इस टाइप की लेस है। और ये तो पापा ने रेस्टोरेंट में खाना बनवाया है, प्योर वेजिटेरियन, ऐसा पूरा वेजिटेरियन वाला, और बिल्कुल साफ़ सुथरा सफाई से, और सबका खाना वही बनेगा। हमने पूजा भी आज गार्डन में ही करनी है, तो आज हमने कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आज फुल रेस्ट करना है। पापा ने बोल दिया आज कुछ काम नहीं करना है। तो दिखाते हैं आपको इवनिंग का हमारा क्या सीन रहता है। इवनिंग में मैंने कुछ नया स्पेशल प्लान किया है, मैंने सोचा है कि मैं अपनी शादी का लहंगा पहनूँगी और थोड़ा सा दुल्हन जैसे रेडी होंगे, क्योंकि जनरली आप वापस ना दुल्हन जैसे रेडी दूसरों की शादी वगैरह में नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो दुल्हन जैसा लुक आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। ओके, तो आज मैं दुल्हन जैसा, देखते हैं कैसी तैयार होती हूँ मैं, तो दिखाते हैं आपको इवनिंग का प्लान क्या है। तो बस अब दीदी आ चुकी है और ये मेरी काया पलट करने वाली है, तो देखते हैं कैसा करते हैं। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये मेरा प्यारा सा लहंगा और ये मेरा प्यारा सा चूड़ा जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। कैसी लग रही हूँ मैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा आई शेडो। ओके, मैं अब कुछ रील्स बनाऊंगी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कुछ रील्स शेयर करती रहती हूँ। मम्मा हो गई ये शाम के लिए रेडी। मंशु क्या कर रहा है बेटा? कुछ भी नहीं। और ये दीदी हो रही है तैयार अभी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी का अभी तो शुरुआत ही हुआ है। ये कौन है भाई? ये किसकी घड़ी पहन के घूम रहा है? कौन ही है ये हमारा साकाल बच्चा है। ओ माय गॉड, देखो बड़ी दीदी क्या लाई है, मम्मा दिखाना सर। वाह बड़ी दीदी मेरे लिए रिंग लेके आई है, बड़ी दीदी पहना दो। बड़ी दीदी मम्मा बाय बाय। और अब हम जा रहे हैं, बाहर रखा है फंक्शन।
आ गए हैं, सारा जो सेटअप कर दिया है उद्यापन के लिए। करवा चौथ की पूजा कैसे होती है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हैं बड़ी दीदी, और अब फाइनली है ना बड़ी दीदी भी रेडी हो चुकी हैं, और आज मोस्टली काम यही करने वाली है भाई। हम तो दुल्हन बन के बैठ गए हैं तो ओके। फिलहाल ना सबसे पहले हम आए क्योंकि हमें व्यवस्था देखनी है, और वहाँ पर ही पूरा सेटअप है। मैं सब में पानी भरना है ताकि जितना भी पानी ये जो मिट्टी है ना वो सोखेगी, वो सोख लेगी। मम्मी भी रेडी तो सारे करवे हैं ना, सुहागनों की करवे मैंने भर दिए हैं। मेरे हस्बैंड भी रेडी होके घूम रहे हैं। सबसे पहले लीपते हैं फर्श पर मिट्टी से, बट दीदी लीपते हुए अभी ना इनका मुंह पैक कर रहे हैं ताकि जो इन करवों के अंदर से पानी ना निकले। हम इसके अंदर डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, दही और फल और भी बहुत सारी चीज़ें, बताती हूँ मैं अभी। सारे करवे हैं उनके ऊपर माला लपेट दी हैं, उनके अंदर है ना फल डाले हैं। फल के हमने डाला है कच्चे सिंघाड़े, काजू, इसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध और काजू बादाम। अम्मा और क्या क्या है? और हाँ कॉइन भी डालेंगे। अम्मा और क्या डलता है इसमें? जो कॉइन होते हैं वो, और सब में दो दो सिंघाड़े या भी कोई भी फल डाल सकते हैं। इस तरह से हाथों में जो सभी जो सुहागने होती हैं वो हाथों में इस तरह से गजरा बांधती हैं। वो देखो बड़ी दीदी भी बांध रही गजरा। ये जो करवों के ऊपर है ना खाजा बनाए हैं, खाजा ये मैदे के और घी में बने, शक्कर डली हुई है इसमें, और इसी की पूजा होती है, इसी से माता जी की पूजा होती है। और उसके ऊपर उस तरह से दीपक रखा हुआ है, वैसे दीपक रखेंगे। फैन बंद करो तब दीपक चलेगा। कितने में मुझे नहीं पता, एक मिनट देखते हैं। चांद आ गया, वो छोटा सा जो गोला दिख रहा है वो है चांद। लग रहे हैं क्या? ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हमारे यहाँ पर ऐसे हस्बैंड आके पानी वगैरह नहीं पिलाते हैं, औरतें आपस में ही पानी पीती हैं। जो पिलाती है वो बोलती है सदा सुहागन धापी, और जो पीती है वो बोलती है कि पानी से धापी सुहाग से नहीं धापी, ऐसा 10 बार करते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ करवे में पानी होता है वो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो आपस में पीते हैं, बट फर्स्ट टाइम औरतें आपस में ही पिलाती हैं। जब मैं नई नई आई थी तब मुझे ये सब बहुत अजीब रिचुअल्स लगते थे, बट अब ये रिचुअल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इवन हमारी जैसा पिक्चरों में होता है वैसा नहीं होता है, हमारे यहाँ छलनी में भी नहीं देखते हैं चांद को या हस्बैंड को, इवन वो अशुभ माना जाता है, कथा में भी ऐसा बोला है। तो अब पूरा कुछ डिफरेंट है। वीडियो चल रहा है,
मम्मा जो है वो करवा चौथ का उद्यापन कर रही हैं। अब मम्मा से नहीं रहा जाता, ये पूरा टाइम वो मम्मा की एज होगी तो यहाँ पर मम्मा ने 10 जो सुहागनी होती है उनको न्योता है और उनको साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान ये सब मम्मा दे रही हैं। और उनके बाद उनका जो व्रत है वो मम्मा खुलवाएगी। फाइनली हम उनका व्रत खुलवा रहे हैं, पूरी फैमिली समेत बुलाया है, उनके हस्बैंड, उनके बेबी वगैरह। मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे